नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है, यानी ध्रुपद जहां पर है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें, जहां से फैलती है शास्त्रीय संगीत की खुशबू। और आज हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुपद गायकी के एक बहुत दिग्गज कलाकार उदय भवालकर जी। नमस्कार। मैं रागगिरी के समस्त श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और शिवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। उदय जी, रागगिरी के लिए हम जब भी आप इंटरव्यू करते हैं कलाकारों से, तो हमारी गुजारिश यही होती है कि इंटरव्यू की एक अच्छी सी शुरुआत हो, इसके लिए किसी भक्ति रचना से शुरुआत की जाए। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले कोई भक्ति रचना हमें सुनाइए। अच्छा उदय जी, अगर हम बचपन से सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें, तो आप तो अपनी बहन के साथ जाते थे सीखने, और सीखते भी थे ख्याल गायकी। तो ख्याल गायकी से ध्रुपद, यानी एक कठिन चीज से और ज्यादा कठिन चीज की तरफ किस तरह से आपके कदम बढ़े, उसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा हुआ कि मैं बचपन में उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में मैं वहाँ सीखने जाता था। वहाँ मेरी दीदी भी सीखती थी। मेरी शुरुआत की तालीम मेरी बड़ी बहन दीदी से हुई और उनके साथ में वहाँ संगीत स्कूल में भी जाता था शाम को, और सुबह मेरा रेगुलर स्कूल होता था। और उस समय ऐसा बस गाना सीखना है, कौन सी विधा सीखना है, किससे सीखना है, ऐसा कुछ मन में नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था, ऐसे कोई संभावनाएं नहीं थी आसपास।
हमारे घर में कोई ऐसा वातावरण भी नहीं था कि LP रिकॉर्ड सुन रहे हैं या कुछ कैसेट सुनी जा रही है, या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था माहौल। और ये 1981 की बात है कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ गया था एक अखबार एक्सचेंज करने के लिए, तो उनके यहाँ जो अखबार था उसके अंदर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि भोपाल में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जो ये दुर्लभ होती जा रही कलाओं को, जैसे ध्रुपद हुआ, पखावजोई, सारंगी, टप्पा, वीणा और ये इत्यादि जो ये कलाएं थी, ये कम लोग कर रहे थे, क्योंकि पिछले 100-150 साल से हमारे यहाँ ख्याल गए कि सितार, तबला, हारमोनियम ये लोकप्रिय हुए और लोग धीरे धीरे इन पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे थे, तो उनको वापस उनका संवर्धन हो, लोग सीखे, वो वापस प्रचार प्रसार में आए, लोग जाने, इसलिए वो एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन ने बनाया था। तो मैंने उसमें मैंने तो जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था वो ध्रुपद का था, तो मैंने बहुत ही कोई विचार करते हुए नहीं न करते हुए मैंने उसके बारे में सोचा और अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं ये इसके लिए आवेदन करूं क्या, तो उन्होंने कहा ज़रूर करो। और फिर मैंने मेरे जो गुरुजी थे उज्जैन में उनसे पूछा, जिनसे मैं सीख रहा था उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ज़रूर सीखो, ये डागर परिवार जो है ध्रुपद का बहुत बड़ा विद्वान परिवार है और तुम्हें अच्छा ध्रुपद सीखने को मिलेगा। और शायद वो ये भी सोच रहे थे कि मैं भोपाल में ध्रुपद सीखने के बाद वापस उज्जैन आ जाऊँगा और उनसे मैं ख्याल गायकी सीखते रहूँगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जो भी संयोग था, तो मैंने 1981 में वो ध्रुपद केंद्र के लिए आवेदन मैंने भरा, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर उस्ताद के पास में सीखने लगा। तो ऐसा कुछ मन में विचार नहीं था कि मैं पहले ख्याल सीख रहा हूँ और बाद में ध्रुपद सीख रहा हूँ। हाँ, लोगों ने ज़रूर मुझे बहुत इसको, जिसको मैं मिलता था वो ये कहता था अरे ध्रुपद क्यों सीख रहे हो, ये कोई गाता नहीं है और इसका क्या भविष्य होगा और इस गायकी में तरह तरह की कमियां जो हैं, वो खामियां जो हैं वो गिनवाते रहे हमेशा लोग। तो हालांकि मैं उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी विधा जो है वो बहुत बड़ी होती, व्यक्ति कम पड़ता है उसके लिए। और हमारे यहाँ की संस्कृति में, कलाओं में, कोई भी कला हो, कोई भी उसका एक फॉर्म हो, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत समग्र होता है। तो और ध्रुपद तो हमारे राग संगीत की जननी है, इसके अंदर अलाप और विस्तार के लिए और संभावनाओं के लिए बहुत बड़ी जगह है ये। तो ऐसा फिर मैंने उस्ताद के पास आकर मैंने वहाँ गुरु शिष्य परंपरा से वहाँ 81 से 85 तक वहाँ भोपाल में सीखा। फिर 86 में मेरी इच्छा थी और उनसे सीखने के लिए, तो फिर मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली। फिर मैं बम्बई आ गया, तो बम्बई में भी अपने गुरु के घर में रहा। तो ऐसे भोपाल और बम्बई दोनों मिलाकर मैं करीब करीब 12-13 वर्ष अपने गुरु के घर में रहा, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उन दोनों विद्वान गुरुओं से मुझे सीखने को मिला। उदय जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े हैं, और आपसे जुड़ने का मतलब एक रास्ता खुलता है। आपके छोटे उस्ताद और आपके बड़े उस्ताद यानी ध्रुपद शैली के दो महान कलाकारों के बारे में जानने का और समझने का, तो हमारे जो रागगिरी के सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने छोटे गुरु, अपने छोटे उस्ताद और अपने बड़े उस्ताद यानी उस्ताद फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद मोहितुद्दीन डागर के बारे में ज़रूर बताइए। मेरे दोनों उस्ताद, जिनको बड़े उस्ताद और छोटे उस्ताद भी कहते हैं, वो केवल दो बड़े भाई थे, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई, इसलिए बड़े और छोटे कहा जाता है उनको। और दोनों भाइयों का जो एक विद्या देने का एक उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही विलक्षणीय था। मतलब ऐसे ज्ञान का भंडार है कि वो आपको देते चले जा रहे हैं, आप उठाओ उसमें से कितना उठा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। और दोनों भाई एक, मुझे हमेशा दोनों भाई बहुत एक जैसे लगे, मतलब एक जैसे मतलब कि एक ही लगे मेरे को, इतने साल में उनके घर में रहा।
क्योंकि मेरे दोनों गुरु थे और मेरे लिए मेरे मन में दोनों के प्रति समान भाव, समान प्रेम, समान श्रद्धा, तो इसलिए मुझे वो दोनों दो होते हुए हमेशा एक लगते हैं। पर एक बात है कि दोनों से मुझे बहुत बराबरी का सीखने को मिला। केवल फर्क ये होता था कि बड़े उस्ताद जो थे, जो वीणा बजाते थे, वो राग को एक एक बड़े सिलसिले से या उसको एक अच्छे स्पष्ट रूप से समझा देते थे कि ये राग ऐसा है, ये राग ऐसा है। तो जिसमें एक कहते हैं ना कि एक प्रेडिक्टिबिलिटी, एक निश्चित उसको करना कि ये राग ऐसा है, फिर उसके आसपास के राग भी समझा देते थे कि देखो बेटा, अगर वो जैसे कोमल ऋषभ बता रहे हैं तो उसके अंदर बताते थे कि देखो ये इसके अंदर से बिलास खानी तोड़ी कैसे हो जाएगा, इसके अंदर से भैरवी कैसे हो जाएगा, इसके या जो भी ऐसे आसपास के राग होते, जैसे पूरिया बताया तो दूसरे आसपास के राग बताते थे। तो ये एक उनका एक सिखाने का एक तरीका बहुत स्पष्ट और बहुत एक अच्छा था, एक क्लियर होता था उनका एक सिखाने का तरीका, और काफ़ी मींड वाला उनका जो एक गाने का तरीका था, मींड और ऐसे 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 जाकर ऐसे आना, एक बड़ी लहक उसके अंदर गाने के अंदर, वो मींड का प्रयोग बहुत बड़े उस्ताद के सिखाने में होता था। और छोटे उस्ताद के गाने में और सिखाने में एक एक स्वर पे ठहराओ कि स्वर पे रुको और स्वर को एक अंदर तक झांकने की कोशिश करो कि स्वर क्या है और स्वर कितना सूक्ष्म हो सकता है और कितना सुंदर हो सकता है, और उसके अंदर से जब आप रुकते हैं स्वर के ऊपर, तो आपको आपकी मनस्थिति के अनुसार भी और उसके ऊपर आप जब काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्वर कितना गहरा है और उसमें कितनी बारीक बारीक जगह है कि स्वर अपना स्थान बदलता है। तो ये सब ज्ञान जो है वो छोटे उस्ताद से प्राप्त हुआ। और दूसरा मजे की बात, मतलब क्या होता था, छोटे उस्ताद ने एक बार जो गा दिया उसके बाद फिर दूसरा कुछ अलग ढंग से कहते थे, तीसरा कुछ अलग ढंग से कहते थे, चौथा, तो एक जो आर्ट में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी चाहिए जो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रेडिक्टेबिलिटी जरूरी है, उतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी या सरप्राइज एलिमेंट जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत जरूरी होता है कि अब क्या होने वाला है, एक आश्चर्य एक हमेशा एक रहना चाहिए कि अब क्या होगा। तो ये जो स्थिति है और रियाज करवाने का मादा और जोड़ झाला में जो एक अद्भुत कटिंग करते थे वो अक्षरों के साथ, और ये जो उनकी जो खासियत थी, गमक की खासियत थी उनकी, तो ये सब और अक्षरों को बड़े स्पष्ट रूप से वो कहते थे, जो आर न री नानुम तर न, तो ये दोनों गुरुओं की अपनी अपनी खासियत अपनी अपनी जगह पर मेरे लिए बहुत मूल्यवान, और एक मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे दो अद्भुत विलक्षणी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उदय जी, आपने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए होंगे उसमें मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा गया होगा कि वो उस गोल्ड मेडल की क्या कहानी है जो उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब ने आपको दिया था। जी, वो 1987 की बात है, 1987 भोपाल में एक ध्रुपद का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े ध्रुपद के संगीतज्ञ आए थे और उसमें मैं महज 21 साल का था, और उस समय मेरा भी वहाँ एक कार्यक्रम रखा था, और मेरा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ सामने अमीनुद्दीन खान साहब, मेरे दोनों गुरु और भी बड़े बड़े ध्रुपद के संगीत जगत के बड़े बड़े गुणी कलाकार सब बैठे हुए थे और अच्छी ऑडियंस बैठी हुई थी। और मेरा जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मतलब तो जैसे ही ख़त्म हुआ तो आयोजक आके बोले, मैं उठने लगा तो बोले नहीं नहीं आप बैठिए, तो मैं बैठ गया। फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ कि उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब उदय को उनके गाने से वो एक आशीर्वाद के स्वरूप में, उनको अच्छा लगा तो एक आशीर्वाद के स्वरूप में वो गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, तो मुझे गोल्ड मेडल उन्होंने अनाउंस किया। और मेरे दोनों उस्ताद जो कि अमीनुद्दीन खान साहब से छोटे भाई थे दोनों, उनके कज़न,
तो मेरे को सीखने के लिए गोल्ड मेडल दिया और मेरे दोनों उस्ताद को सिखाने के लिए भी गोल्ड मेडल दिया कि आपने अच्छा सिखाया इस बच्चे को। और ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए जो अमीनुद्दीन खान साहब, डागर साहब, जो एक सूर्य के समान उनका जो व्यक्तिमत्व था, उनसे ये आशीर्वाद के रूप में और प्रोत्साहन के रूप में मुझे ये दिया जाना, ये मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी घटना है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात मैं जब जब उनको कलकत्ता या बम्बई में जब जब मिला, वो उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक संस्मरणीय अनुभव रहा। उदय जी, हम इस इंटरव्यू को और आगे बढ़ाएं उससे पहले गुजारिश करेंगे कि कोई बंदिश जो आप हमें सुनाना चाहें। जी, मैं राग झिंझोटी में एक ध्रुपद जो तेवरा ताल में निबद्ध है वो प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम
अच्छा उदय जी, हम ध्रुपद के बारे में हमेशा से ये सुनते आए हैं कि ध्रुपद एक ऐसी कला है जो अब विलुप्त हो रही है, यानी बहुत ज्यादा कलाकार इसके बचे नहीं है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप शहनाई की बात कर लें या आप सारंगी की बात कर लें। सारंगी खास तौर पर अगर उपशास्त्रीय संगीत में हम जाएं तो टप्पा की बात कर लें, यानी ये वो शैलियां हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त सी होती जा रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ये सच है कि ध्रुपद जो है वो एक विलुप्त होती हुई शैली है, उस तरफ बढ़ रही है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है? देखिए, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि एक समय था जब हमारे देश में ध्रुपद ही था, ख्याल का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय सब ध्रुपद गायक ही थे, और आज भी हम जब ख्याल के सब घराने देखते हैं तो उनके जो पूर्वज थे या उनके घरानों के जो संस्थापक थे वो बेसिकली ध्रुपद के ही कलाकार हुआ करते थे। तो अब ये कारण तो बहुत सारे रहे होंगे कि जिसके कारण ये ध्रुपद धीरे 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 कम हो गया, और फिर गाने वाले कम हुए तो फिर कार्यक्रम कम हुए, सिखाना भी कम हुआ, ऐसा सब धीरे 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 कम हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो एक कहें एक ऐसा कुछ जो ऐसे पक्ष थे जो ठीक नहीं थे वो लोगों के सामने ज़्यादा आए, और जो इसमें अच्छाइयाँ हैं, जो इसमें खासियत है, वो खासियत लोगों तक उतनी पहुंच नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है, या लोगों ने उतना गंभीरता से उसको लिया नहीं। तो खैर, कारण और भी बहुत सारे रहे हैं, हम कारणों में नहीं जाना चाहते, पर जो भी रहा है सत्य तो ये है कि ये कम होता गया, और आज भी ये ख्याल गायकी की तुलना में काफ़ी कम है। और पर इतना मैं कहूँगा कि जो आज से 40-50 साल पहले जो एक ध्रुपद की स्थिति थी, उसमें डागर बंधुओं का परिवार, मलिक बंधुओं का परिवार और कुछ दो तीन लोग, सियाराम तिवारी जी, रामचंद्र जी, ये लोग ऐसे, ये 4-6 नाम ही केवल ध्रुपद के लिए उस समय आते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी बहुत कम होता था। पर पिछले 25-30 सालों में धीरे 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 ये काफ़ी बढ़ता गया है, और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है, लोग सीखना चाहते हैं। और अब ये सत्य बात तो है कि मेरे पास हर हफ्ते फ़ोन आते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और मुझे मना करना पड़ता है कि मैं कितने विद्यार्थियों को सिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब ये, हाँ, अगर हम ख्याल गायकी से इसका अगर कंपेयर करें कि ख्याल गायकी कितनी लोकप्रिय है, कितने लोग सीखते हैं, कितने कॉन्सर्ट होते हैं, कितने गाने वाले हैं, उसकी तुलना में बहुत कम है, पर ध्रुपद निश्चित तौर पर आगे बढ़ा है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसके गाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, इसके कार्यक्रम सभी काफ़ी बढ़े हैं। तो
ये एक बहुत अच्छा, इसके अंदर से एक हमें एक आशा का एक, मैं आशान्वित हूँ इसमें बहुत कि आगे बढ़ेगा और लोग सीखेंगे इसको। उदय, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ध्रुपद एक गंभीर किस्म का गायन है। मतलब आप एक राग 3-4 घंटे भी गाएं और शायद उसके बाद भी मन ना भरे लगे कि नहीं, अभी इसमें और विस्तार हो सकता था। अब क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को इससे रिलेट कर पाएगी, इस गायकी से, इस शैली से? और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो यही है कि क्या करना चाहिए कि ध्रुपद की जो लोकप्रियता है वो बढ़े, वो और ज्यादा फैलाव मिले उसको। देखिए, ये जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर पर ये बाकी की जितनी भी हमारी परंपराएं हैं गाने की और गायकी की जो पद्धतियां हैं, उसमें ध्रुपद निश्चित तौर पर ये गंभीर और बड़ा एक विस्तार वाला, और जिसको कहें कि ये शांत, इसमें काफ़ी एक विस्तार से इसको गाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी एक साधना और कल्पना शक्ति और तालीम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये बात उतना ही सच है। और आपका जो आगे जो प्रश्न था कि ये गंभीर, और तो गंभीर तो ऐसा है कि गंभीर तो क्या अब ख्याल भी गंभीर हो सकता है, दूसरी ठुमरी भी गंभीर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर और ये तो गाने वाले के ऊपर और थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत विचारों के ऊपर होता है, पर मूलतः राग संगीत जो है ये एक मतलब ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक एनलाइटनमेंट की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके मतलब तो ध्रुपद भी एक, चूंकि राग संगीत का एक भाग है, तो उसके अंदर भी ये एक, जिसको कहते हैं एक, हमें एनलाइटनमेंट की एक अनुभूति जो होती है, तो ये एक भाग है। और दूसरा, इसका जो फॉर्मेट है ध्रुपद का, ये फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि ये पहले एक कभी भी ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं था, ये हमेशा साधना का विषय रहा। जैसे इसलिए आपने बताया 3-3, 4-4 घंटे, तो ऐसा होता है, हम लोग भी कभी कभी राग लेके बैठते थे, हमारे गुरुजी या मैं भी जब सिखाता हूँ तो एक एक राग 3-3 घंटे चलता है, विस्तार इतना होता रहता है कि ऐसा लगता है इसमें भी और भी कर सकते हैं, और भी हो सकता है, ये बिल्कुल सच बात है। तो जहाँ तक हमारी कल्पना शक्ति और हमारा गला चल रहा है, उतना हम लोग इसको गाते बजाते हैं। और इसके अंदर अब इसको लोगों से कैसा जोड़ा जाए, तो अब ये भी इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले की तुलना में ऑडियंस भी बड़ी है, लोग सुनते हैं, सीखने वाले भी बड़े हैं, इंटरेस्ट बढ़ा है, लोग जानना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका ये बढ़ेगा धीरे धीरे। और फिर भी अगर नहीं भी बढ़ा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो हो सकता है कि शायद लोगों को अपील नहीं होता है उतना, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा खेद मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी पद्धति इस प्रकार से है। मैं चाहा कि इसको बदल बदल के भी कितना बदलूंगा और क्यों बदलूंगा, बदलना तो हमारी, बदलना क्या होता है, हमारी परंपरा में बदलाव जो है कि गुरुमुख से जो विद्या आती है उसको हम, गुरु ने जो बताया है, मार्गदर्शन दिया है, उसको हम अपने तरीके से, अपने मनोविचार से, अपनी भावना से उसको आगे गाएंगे, तो उसके अंदर बदलाव हो जाता है, और बदलाव होना ही आवश्यक है। अगर वैसा के वैसा ही कुछ चला तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें कुछ वो कला टिकती नहीं। तो कला में बदलाव तो एक स्वाभाविक एक परिस्थिति है कि जो अपने आप बदलाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसको डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ख्याल रखें, भाई आपको जितना समय दिया गया है उतने में आप गा लें उसको अच्छे ढंग से, उसको जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसकी जो प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बस इतना इसके अंदर हो सकता है। बाकी ये श्रोताओं के ऊपर है कि वो उसको किस ढंग से लेते हैं, और ऑफ कोर्स जो कलाकार हैं उनकी तो बहुत बड़ी जवाबदारी है कि वो कला अपनी किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। उदय जी, आप अपने वीना फाउंडेशन के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि उसका भी जो पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र है संगीत के जगत में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ऐसा है कि मैंने
मैंने तीन बातों के ऊपर बहुत ध्यान दिया कि एक तो मैंने जो अपने गुरुओं से जो सीखा है उसको मैं अच्छा और उस पवित्र से उस भावना से मैं उसको गा सकूं, उसको ऊपर रियाज कर सकूं, पहली बात ये। दूसरी बात मैंने सोची थी कि जो मैंने सीखा है उसको सिखाऊं आने वाली जनरेशन को। और तीसरी बात मैंने अपने गुरुओं की स्मृति में वीणा फाउंडेशन की एक स्थापना की, जिसमें एक विचार किया गया कि ध्रुपद के कार्यक्रम हों और उसके अंदर एक समाज जुड़े, लोग जुड़े, श्रोता जुड़े, तो एक ध्रुपद का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, लोगों को ध्रुपद ज़्यादा सुनने को मिल सकेगा। तो वीणा फाउंडेशन इस तरह का कार्य करती है। वीणा फाउंडेशन हम ध्रुपद के जो विद्यार्थी आते हैं मेरे पास, उनको फिर वो रहने खाने का प्रबंध, ये दूसरा, और अगर कुछ स्कॉलरशिप भी हम लोगों ने दी है, और कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने वीणा फाउंडेशन के किए हैं। उसमें ध्रुपद के अलावा ख्याल या बांसुरी, सरोद, तबला, ये भी कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं उसके अंदर। तो ये संस्था मुख्य तौर से पूना में ही हम लोग इसके कार्यक्रम करते हैं, और बस ये गुरुओं को एक उनकी स्मृति को याद करना और समाज से जुड़ना, यही इसका एक बड़ा उद्देश्य है। आपने कुछ कला फिल्मों का संगीत तैयार किया है, उससे आप उसके संगीत पक्ष से आप जुड़े रहे हैं, तो कुछ उस अनुभव के बारे में भी शेयर कीजिए। जी, हमारे गुरु बंधु और हमारे बहुत आदरणीय फिल्मकार मणि कौल जी, उनकी दो फिल्मों में मैंने गायन किया, आलाप और कुछ ध्रुपद के पद थे वो गाया। उसके बाद फिर अरुण खोपकर जी की रसिक प्रिय और लोकप्रिय करके दो फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो रसिक प्रिय मतलब क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर थी, और लोकप्रिय मतलब जो फिल्म संगीत या दूसरे सुगम संगीत के ऊपर बनाई थी। तो मैंने वो रसिक प्रिय में भी गाया था। तत्पश्चात उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने मुझे मिस्टर मिसेस अय्यर में आलाप गाने के लिए बुलाया था। और फिर रेणुका शाहनी जी की रीटा एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने गाया था। और अमोल पालेकर जी की अनाहत एक बहुत सुंदर फिल्म बनी थी, वो महाभारत काल से पहले की जो काल था उसके ऊपर, उस कालखंड के संस्कृति के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी गाया है। और पूरा ध्रुपद का ही उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, कोई दूसरा वाद्य या म्यूजिक उसमें नहीं किया है। तो ये सब अनुभव बड़े अच्छे थे, और इन सब श्रेष्ठ कलाकारों के साथ काम करने का अवसर जो मिला, ये बड़ा एक सीखने वाला और एक हमेशा एक बहुत संस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। उदय जी, फिर एक बार आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ध्रुपद गायन के बारे में जो आप गा रहे हैं, जो राग आप गा रहे हैं, उसके बारे में बताते हुए हमें कुछ सुनाइए। मैं थोड़ी देर राग छाया नट में आलाप गाता हूँ। रे र न
आपने हमारे लिए समय निकाला, आप रागगिरी से जुड़े और जहां जैसा मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि हम उस शैली के बारे में जान पाए जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें मिलती हैं, आपने समय निकाला इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी आपका और सभी श्रोताओं को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद।